जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ी हुई। और इसमें हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है चोर और सिपाही से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी लगाए थे। चोर और सिपाही से जुड़े हुए क्वेश्चन, मैं फिर से बता देता हूं कि चोर और सिपाही के क्वेश्चन में क्या रहता है। जैसे कि अब मैं चोर की बात करूं तो चोर, जैसे ये चोर है और ये सिपाही है, यानी कि पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला है। तो चोर और पुलिस जो है, ठीक है, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो वो किस प्रकार से पकड़ेगी, पुलिस बराबर दौड़ेगी जितनी दूर तक चोर दौड़ रहा है। क्या बोल रहा हूं, जितनी दूर तक चोर दौड़ रहा है उतनी दूर तक पुलिस भी दौड़ेगी। दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, अगर मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं और वो एक चोर जो है वो मुझे वहां पर दिखाई दे रहा है, तो चोर जो वो मुझे देखकर भागेगा, वो चोर मुझे देखकर भागेगा। अगर चोर 20 की स्पीड से जाता है तो मुझे उससे ज्यादा ही स्पीड रखनी पड़ेगी कि मुझे चोर वो क्या आ जाए, हाथ में आ जाए भाई, तो ही पकड़ पाऊंगा। अगर मैं स्लो भागूंगा तो फिर चोर क्या करेगा, वो तो निकल जाएगा, इसलिए मेरी स्पीड हर बार ज्यादा ही होगी। दूसरा, जो स्पीड, अगर पुलिस की स्पीड मान लीजिए अगर 10 है और चोर की स्पीड 8 है, तो ये जो इनका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 का, ये इनकी दूरी गिनी जाती है, रिलेटिव डिस्टेंस गिना जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। आज हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। अ कॉन्स्टेबल इज कैशिंग अ थीफ हुज 200 मीटर अहेड, द स्पीड ऑफ कॉन्स्टेबल एंड द थीफ 1.8 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम ऑफ कॉन्स्टेबल विल टेक टू कैच द थीफ। एक क्या कहते हैं, एक सिपाही है और एक चोर का पीछा करता है जो उसे 200 मीटर आगे है। क्या बोला है, एक सिपाही है यानी कि पुलिस वाला है और एक तरफ चोर है, हाँ या ना, मैं जवाब दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। एक तरफ क्या है, पुलिस, और एक तरफ कौन है जी, चोर है, और चोर है जो उसे 200 मीटर आगे है, यानी कि ये पुलिस से आगे है 200 मीटर। क्लियर है जी। यदि सिपाही और चोर क्रमशः, सिपाही यानी कि 8 की स्पीड और चोर कितनी की स्पीड, 7 की स्पीड, बोलो समझ आया कि नहीं आया, किलोमीटर पर आर की स्पीड से चले, तो चोर सिपाही को कितने, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा, यानी कि पुलिस वाला जो है वो कितने समय में पकड़ेगा, ये सवाल है। अब बताओ कैसे करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही उम्दा है, मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था लास्ट टाइम में भी। तो अब देखो इसमें क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चा, रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, मैं जवाब दो, मगर डिस्टेंस किसमें है, मीटर्स में है, यानी कि दोनों की यानी कि सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा 200, स्पीड कितनी हुई 1, मगर है क्या ये किलोमीटरों में, तो मीटरों में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5/18, आया कि नहीं आया समझ, ठीक है, उल्टा कर दो इसको, 200 × 5 और ये गए 18, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 × 5 होते हैं, ठीक है, 5 × 5 5 × 20 और 18 × 72 यानी कि 720। अब ये 720 क्या आए हैं आपके, 720 टोटल सेकंड्स आए हैं, क्या आए हैं, सेकंड्स आए हैं, ठीक है, यानी कि क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया था 18/5 करते ही, बोलो समझ आ रहा है ना, 18/5 करते ही मीटर पर सेकंड में बदला था, इसलिए
सेकंड्स में ही आएगा, ठीक हो गया। अब ऑप्शन किस में दिए हैं, मिनटों में दिए हैं, तो इसलिए हमें इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि मिनटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जीरो से जीरो गे कितने जा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 मिनट। बताओ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन हुआ क्लियर, रिलेटिव डिस्टेंस का कुछ आइडिया लगा, कोई तकलीफ, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से हम बहुत अच्छे से अच्छे उमदा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ध्यान से, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, सेम सवाल है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो कि 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी चोर को देखता है, ये पुलिस वाला और ये है चोर, और पुलिस वाले ने चोर को देखा ऐसे, है ना, फिर चोर भागने शुरू कर दिया। अब 200 मीटर दूरी पर था, तो यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस 200 मीटर दूरी का था, सही है। फिर पुलिस वाले ने चोर का, यानी कि पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया, चोर की पहले, ये देखो चोर पहले पुलिस वाला बाद, ये चोर है और ये पुलिस वाला, बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो पुलिस वाले की स्पीड होगी 11 बेटा, और चोर की कितनी होगी, 10। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए निकाल निकाल के लेकर आया हूं अलग अलग जगहों से। अब बोला है कि दूरी बताओ, कितनी दूरी जो है वो निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, सेम सवाल रहेगा, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करो बच्चों, सभी कोशिश करो, बहुत ही उम्दा सवाल है। देखो अब सबसे पहले हमारा यहां पर देखिए रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इसका, एक पिछले क्वेश्चन की तरह आ रहा है, ठीक है। तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, और जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो सबसे पहले तो हमारे पास टाइम होगा तो हम स्पीड निकालेंगे, तो टाइम ही नहीं होगा स्पीड किसकी निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड से, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टेंशन काहे की है, टेंशन कोई नहीं है। तो आपका 200 ये आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आ रहा है, इसलिए हमने 5/18 कर दिया, इतना क्लियर हो गया होगा सबको ही। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड में, तो 200 × 18/5 720 सेकंड्स, इतना क्लियर है 720 सेकंड्स तक, ध्यान से समझ लीजिए। अब हमें क्या है, अब हमें यह है कि हम इस क्वेश्चन को जो है वो अब मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनटों में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये टोटल सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर लिया, कितना आ गया, 12, यानी कि 12 मिनट में जो है वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है जी। मगर सवाल में जो है वो तो हमसे पूछा क्या है, दूरी पूछी है, तो अब दूरी किसकी पूछी है, तो चोर को पुलिसकर्मी कितनी देर में पकड़ लेगा, यानी कि पुलिसकर्मी कितनी देर में पकड़ेगा, क्योंकि चोर तो है वो, तो मान लीजिए चोर ने 5 किलोमीटर दूरी तय की थी, तो पुलिस वाला कितनी तय करेगा, 5 ही तो करेगा, ठीक है, वो उतनी दूरी तय करेगा, फालतू दूरी तो तय करेगा ही नहीं, ठीक है। तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी थी, 11 की थी, तो हम ये 11 यहां पर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब टाइम कितना है, 12 मिनट, मगर सर यहां पे तो किलोमीटर है, पर आवर है, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 60, क्यों, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, 12 × 5 = 60, 11/5 जो कि 2.2 के इक्वल आ जाएगा,
और ये बी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन पे चला जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर है जी? थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। क्लियर है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूं मैं, आप ट्राई करने की कोशिश करिए, सेम रहेगा। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, करना शुरू करता है, जब वे पहले से ही 400 मीटर आगे था, यानी कि एक पुलिस वाला है और ये चोर है, और वो किससे कितना आगे है, 400 मीटर, ठीक है, यानी कि पुलिस वाले को इतना जाना है, भागना है, पहले पकड़ना पड़ना है। चोर अगर भाग भी गया तो उसको पुलिस वाले को उतना और आगे करना पड़ना है। यदि पुलिस वाला जो है वो 10 की स्पीड से चलता है और ये 8 की स्पीड से चलता है, तो चोर कब पकड़ा गया, मिनट निकाल ले, अभी निकाल लेते, करना शुरू करो, ठीक है। 10 की स्पीड और ये 8 की स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। बोलो समझ आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे बोलो, साथ साथ बोला करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। 400 बटा 2 और गुणा 5 बटा 18। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है जी। 400 बटा 2 गुणा 5 और 18 ऊपर आ जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है जी, ये 0 गया और 18 चौके 72 कि फिर से 720 ही आया, ठीक है। कितना आया, 720 सेकंड आए, कितने आए, 720 सेकंड, और ये तो हमें मिनटों में निकालना है, तो 720 को क्या कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 12। और यहां पे ऑप्शन है आपके पास, तो देखो मैंने एक जैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए जो हैं वो बच्चों उठा कर लेकर आया था, बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चंस हमने बनाए और आपके लिए विभिन्न पेपरों से जो है वो उठा रहे, ठीक है, अलग 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 अलग, आपने भी ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक चोर 200 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखा जाता है, क्या लिख रहा है, एक चोर 200 मीटर दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है, ना पुलिस वाले ने देखा पर उसके बात की जा रही है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला जो है उसका पीछा करता है, एक 10 की स्पीड से 11 की स्पीड से, ठीक है। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, पर थोड़ा बहुत बदला, उसको सारा थोड़ी बदल गया, तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा ट्राई करें, ट्राई करें। देखिए ये पुलिस वाला है, ठीक है ना, और ये कौन है, चोर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, 200, कितने का है, 200 का है। अब चोर जो वो 10 की स्पीड से जा रहा है और पुलिस वाला 11 की, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, ये रिलेटिव डिस्टेंस है ना, यानी कि 1 बराबर है 200 के बराबर ही हुआ ये, ठीक है। अगर ये इतना जा रहा है तो अब हमारा टाइम किसके बराबर होता, हमें निकालना क्या था,
दूरी, और दूरी किसके बराबर होती है? दूरी होती है आपकी स्पीड इंटू टाइम। कितनी होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। किसके बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होती है। तो डिफरेंस तो आपका वन आई गया, स्पीड यानी कि कितनी आ गई? वन। मगर वन क्या है आपकी? ये किलोमीटर में दी है। किसमें दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और ये दिया है मीटरों में, कन्वर्ट तो करना बनता है। तो हम गुना कितना करेंगे? 5/18। बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने कितने समय में पूछा है? 6 मिनट में। ठीक है, हमने 5/18 किया, ये किस चीज के लिए किया? सेकंड्स में बदला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 × 60 करना पड़ेगा। तो ये टोटल सेकंड्स बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब कॉल कैलकुलेट कर लो। 6 × 6 = 18, 3 + 3 = 6 और 5 × 2 = 10 यानी कि 100 मीटर। कितना आंसर आया? 100 मीटर डिस्टेंस आया। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना आएगा? 100 मीटर का आएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो, पुलिस वाला जो 200 मीटर से दूरी से देख रहा था, तो चोर आके को तो भागा होगा कि वो खड़े रह गया होगा? भागा होगा। तो पुलिस वाले और इसके में जब ये इतनी स्पीड से दौड़े थे, तो हमने क्या किया था? हमने तो सिर्फ डिस्टेंस निकाला है कि 100 मीटर के बाद वो पकड़ा गया है, पर 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो हम क्या करेंगे? 200 - 100 करेंगे। तो कितना आ गया? 100 ही से रह गया भैया, 100 ही रह गया। मगर 100 मीटर जो है अब दूरी ये कहलाएगी, ना कि ये वाली कहलाएगी। ये तो सिर्फ डिफरेंस रहा, ठीक है, जो उसने पकड़ा है। मगर 100 मीटर से डिस्टेंस से उतने 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस रहेगा? 6 मिनट के बाद रहेगा 100 का। तो ये था आपका आंसर। क्लियर है? सभी बता दें, अपना अपना आंसर देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ में। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं आपके, चोर सिपाही से जुड़े हुए क्वेश्चन, चोर सिपाही से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए जो हैं वो लेकर आ रहे हैं डेली टू डेली। अगला सवाल, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 350 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है। एक चोर जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दूर भागना पड़ा होगा? अब निकालें आंसर। देखिए डिस्टेंस कितना है, क्योंकि दूर भागना पड़ा होगा, जल्दी से निकालने की कोशिश करो। डिस्टेंस मैं आपको बताऊं, एक इसका तरीका सिंपल सा, टाइम जो है वो दोनों की तरफ इक्वली रहा, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 350, ठीक है जी। स्पीड कितनी थी? स्पीड किसकी? ठीक है, स्पीड कितनी थी बताओ, बताओ बताओ बताओ। मतलब रिलेटिव डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? सर डिफरेंस आ रहा है 5 का। रिलेटिव डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो यही हम पूछ रहे थे। और इन्होंने दूरी किसकी पूछी हुई है? चोर की। चोर को कितना भागना पड़ा? तो चोर की स्पीड कितनी है? 7। अगर पुलिस की पूछी होती तो पुलिस की लिखता, ठीक है, 7 किलोमीटर/आवर। आप बोलोगे सर हम तो किलोमीटरों को मीटरों में बदलते थे, क्योंकि ये जो हमारे पास दिया है वो कितना दिया है? मीटरों में दिया है। मैं बोलूंगा बेटा ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये देखो ये आपस में यूनिट से यूनिट काट दी है, ठीक है।
अब कितना आ गया 490, ठीक है मीटर। सिंपल सा तरीका, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर पुलिस की पूछी होती तो क्या करते, बेटा कुछ नहीं करते, 350 तो रहेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, वो तो इसके रिलेटिव डिफरेंस है, और साथ में पुलिस का पूछा होता तो 12 कर लेते, तो ये देख चला गया ना किलोमीटरों से किलोमीटर, तो ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं, और आप इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 840 में से आप 490 को माइनस कर लो है? कितना आया, 350, और इन्होंने कितना दिया था 350। बोलो समझ आया कि नहीं आया, सवाल कैसा लगा, एक्यूरेट था, मैच करता था, डिफरेंस हमने पूरा निकाला इस वक्त के क्वेश्चन के अनुसार, तो चलो ठीक है। चोर का पूछा था मैंने, चोर का बता दिया आपको ये 490 है। अगर पुलिसकर्मी पूछा तो कैसे निकालते, सर ऐसे निकालते, और हमने बोलते कि नहीं क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक किया 350 का डिफरेंस निकल रहा है, निकल रहा है तो इसका मतलब सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सेम सवाल है बच्चों, ट्राई मारने की कोशिश करिए सेम सवाल। बहुत ही उम्दा सवाल, ट्राई करिए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है, और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा भी करता है, तो चोर भी भागना शुरू करता है, और चोर भागा 8 की स्पीड से, पुलिस वाला भागा 10 की स्पीड से, यानी कि ये आ गया पुलिस और ये आ गया आपका चोर। तो पुलिस वाला भागा 10 की स्पीड से और चोर भागा आपका 8 की स्पीड से, डिफरेंस कितने का है, दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 200 मीटर। बोलो इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भैया, कोशिश करो अभी भी, और कोशिश की जरूरत है। बहुत बढ़िया जी आंसर, ठीक है जी। 200 ये आ गया, रिलेटिव डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, ठीक है जी। अब ये मीटरों में किलोमीटरों में, इसलिए आपको पता ही है 5/18, क्लियर है इतना, 5 × 10 0 गया, और 18 × 36 यानी कि कितना आ गया, 360। क्या आया मीटर से आया, ठीक है। अब पूछा क्या था, चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, तो चोर के लिए निकालनी थी तो सीधा ही हो जाना था, ऐसे क्यों करना था हमने, ये करने की जरूरत ही नहीं, ये भी क्यों लेना था, ये तो डिस्टेंस निकल गया ना मेरा, ठीक है। तो क्या करना था, 200 ही आ गया, रिलेटिव डिफरेंस कितना आया, 2 का। अब चोर की स्पीड कितनी है, 8, तो गुणा 8 कर लो, ठीक है, 2 से किया 10 आ गया, ठीक है, तो 800 मीटर कितना आ गया जी, चोर की 800 मीटर। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा आपको, जो कमी पेशी है जरूर बताना बेटा, जरूर बताना कमेंट करके ही सही।
एक और क्वेश्चन अगला, एक पुलिसकर्मी ने 380 किलोमीटर की दूरी से एक चोर को देखा, पुलिस वाले ने क्या किया है? चोर को देखा है 380 मीटर की दूरी पे, है ना। चोर बड़ा भारी खराब है, वो भागता बहुत ज्यादा, चोर भागने लगता है और पुलिस वाला पीछे करता है, काम ही बेचारों का दोनों का। ये क्या है, एक 25 की स्पीड से एक 30 की स्पीड से जा रहा है, तो आपको पता है 25 वाला चोर ही होगा और स्पीड में घूम रहा है तो वो कौन होगा? वो पुलिस वाला होगा, उसको ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी तो चोर पकड़ा जाएगा। तो बताओ कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, है ना इजी क्वेश्चन, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? जल्दी से हवा आने दो भैया आंसर में। दोनों बहुत सिंपल है क्योंकि मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है, डिफरेंस कितने का आया भैया? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। तो 380 बटा 5, 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30, 76 सेकंड्स का। आई कि नहीं आई हवा? हवा बताओ आई कि नहीं आई? आई थोड़ी सी हवा आई। समझ आया सबको? समझ आ रहा है? क्लियर है भैया? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, टाइम निकल गया 76 सेकंड्स। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, एक पुलिसकर्मी है 120 मीटर आगे एक चोर देखता है, मतलब अपने से आगे एक चोर को देख रहा है और पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, यानी कि ये पुलिस वाला है और ये कौन है? चोर है। ठीक है, और इसने कितना देखा? 120 मीटर। अब क्या हुआ, एक मिनट में 26 मीटर और चोर जो है ना पुलिसकर्मी एक मीटर मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है, मतलब एक मिनट की बात कर रहे हैं कि एक मिनट में जो है वो कितना दौड़ा? 26 मीटर। कितना दौड़ा? 26 मीटर। और दूसरा बोलो बोलो बोलो, चोर दौड़ा 20 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 26 मीटर और 20 मीटर दौड़। ठीक है, तो पुलिसकर्मी उस चोर को कितनी देर में पकड़ेगा? ठीक है, 120 की दौरी थी, 120 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया? 6 का। निकालना क्या है? टाइम, और टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 120 का, स्पीड कितनी होगी? 6 की, 20 माइनस 26 है ना ये, तो कितना हो गया? 6 × 6 = 12, तो 20। ठीक है, यहां पे है 20, है 20, कमाल है। हवा कहां पे रुकी है? हवा का रुख जो है वो ही आपको बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आपको इजी लगे होंगे क्वेश्चन, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेके चले। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? सोचिए सोचिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि चोर और पुलिस के बीच में डिफरेंस कितने का है? 85 का। कितने का है? 85 का डिफरेंस है पुलिस और चोर में, इतना याद रख लो भैया। क्लियर हो गया इतना? एक 8 की स्पीड, एक 7 की स्पीड, 8 वाला तो पुलिस वाला ही होगा, 7 वाला कौन होगा? चोर ही होगा। तो डिफरेंस कितना आया? रिलेटिव डिफरेंस 1। सही है कि गलत है? ठीक है, तो हमें टाइम पूछा है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, 85 ये हो गया, पर ये मीटर में और टाइम ये जो आपकी स्पीड है वो तो किलोमीटरों में है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, 1 ×
पांच बटा 18। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर बताना है आपने बच्चों और कमेंट करना है कि आपको ये क्वेश्चंस कितने समझ आए, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर मुझे आपने अच्छे से बताना है। ठीक है, अब ये मिनटों में है, ठीक है, इंटू 60 भी करी दूं इधर ही, ठीक है, तो 5.1 मिनट। 60 क्यों लिया है ये पता लग गया आपको, 60 क्यों लिया है, मिनटों में बदलने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलते चलिए, चलते चलिए और बनते चलिए, चलते चलिए और बनते चलिए पुलिस, और पुलिस में जाना है तो सबसे पहले ये टाइप जरूर पक्का करके जाना है ना। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे और 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो पुलिस उसी दूरी को कितने समय में लेगी या कितना करेगी, बताओ अब क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि चाल बराबर है दूरी बटा समय के बराबर होती है, सही है कि गलत है। ठीक है, अगर दूरी दोनों की समान हो, दूरी दोनों की इक्वल है तो वो वन के इक्वल होती है, किसके बराबर होगी, वन के बराबर कंसीडर करके चलते हैं। जैसे मैं आपसे इतनी दूरी पे हूं वो यानी कि फिक्स है, क्वेश्चन में कहा है, तो हम उसको क्या लेके चलते हैं, वन। तो इसका मतलब यानी कि जो चाल है वो हर बार 1/t के बराबर होगी, यानी कि जो स्पीड है हर बार रेसिप्रोकल होगी किसकी, समय की, या किसकी होगी, समय की। अब मैं क्या बता रहा हूं, एक तरफ पुलिस ले लेता हूं, अब सबसे पहले इन्होंने चोर दिया है तो मैंने चोर ले लिया और पुलिस ले ली, इतना समझ आया कि नहीं आया। अब आपको यह पता है कि चोर की स्पीड 40 है, दूसरे की 50 है, जीरो से जीरो के तो एक 4 है एक 5 है, मैं रेशियो में बदल रहा हूं, और आपको पता है रेशियो में जब बदलते हैं तो दोनों की चालें आपस में क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम की। ठीक है जी, तो इसलिए एक 5 आएगी एक 4 हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो गया। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ आया कि नहीं आया, वो अब आपने देखना है क्यों बदला है। ठीक है जी, इसके बाद अब इन्होंने कहा है कि वो निश्चित दूरी 5 घंटे और 15 मिनट में तय करते हैं, कितनी देर में तय करते हैं, 5 घंटे और 15 मिनट में चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 5 घंटे और 15 मिनट, 5 घंटे और 15 मिनट में, ठीक हो गया, 5 घंटे, और पूछा किसका था, पुलिस वाले का पूछा है, 5 घंटे 15 मिनट किसका दिया हुआ है, चोर का दिया हुआ, कहां पे लिखा है, ये स्टार्टिंग में लिखा है, एक चोर इतनी चाल से एक निश्चित दूरी को इतनी देर में तय करता है, तो मैं चोर से ही कंपेयर करूंगा ना, तो 5 × 5 = 5 = 15, पहले 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, मैं भी वही लूंगा, पहले 1 लूंगा तो 1 से आया कितना 4, और 3 से लूंगा तो 12, कितना लूंगा 12, तो यानी कि बन गया 4 घंटे और 12 मिनट। ट्रिक कैसी लगी जरूर शेयर करना, अगर अच्छी लगी तो भी बताना और बुरी लगी तो भी बताना, आई होप कि आपको अच्छी लगे। क्लियर है बेटा, क्वेश्चंस क्लियर है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सभी ट्राई करने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा और सुंदर क्वेश्चन।
क्या लिखा है? लिखा है क्वेश्चन, एक चोर जो है वो 12:30 बजे दोपहर को, ठीक है, क्या कर रहा है चोर? चोर का काम ही भाई चोरी करना है। और वो कितने बजे लगा चोरी करने? 12:30 बजे, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ, एक बाइक चुरा ली है, 48 की चाल से चलने शुरू कर दिए उसने, दौड़ चला है भैया अब तो दौड़ूंगा, ठीक है, वो ना छोड़ेगा, यानी कि 1 घंटे में 48 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। अब आधे घंटे के बाद, यानी कि जहां पे 12 बजे थे, यानी कि 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 बजे, हाँ या ना है जवाब दो, 1 बजे चोरी का पता चल गया उसके मालिक को, ठीक है, को पता चलता है और बाइक लेकर वो भाग पड़ता है 58 किलोमीटर, यानी कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। अब दूसरी बाइक से पीछा करना आरंभ करता है, यानी कि मोटा ही होने के, उसके बाद दो बाइकें थी दिन, तो अब लगा हुआ उसके पीछे भाई ये बाइक के, अब बंदे के पास एक ही बाइक हो तो क्या चोरी करेगा, और चोर ले गया तो भैया ले गया, अब दूसरा है नहीं, अगर भैया 2-3 बाइकें हैं तो चल दूसरे से पीछा कर लेंगे, ठीक है। तो चोर कितने समय में पकड़ा गया, ये सवाल है, ठीक है, सवाल भी बहुत अच्छा और बाइक का मालिक भी बहुत ही अच्छा है ना। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, काम हमारा ये डिस्टेंस निकालना, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, अब देखो डिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कि मैंने आपको ये बताया कि 1 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो उसने 48 किलोमीटर दूरी जो है वो कितनी तय की होगी, आधे घंटे में, क्योंकि आधे घंटे में तो पता लग गया। फिर से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा था कि चोर जब भागा तो चोर भागा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में उसने 48 किलोमीटर दूरी तय की। अगर बच्चा, उन्होंने ये कह दिया कि आधे घंटे में ही मालिक को पता लग गया है, तो 1 घंटा तो वो दौड़ने को मिला ही नहीं उसको, वो यानी कि वो उससे आधा, यानी कि आधा ही दौड़ा है, तो आधा कितना दौड़ा है, तो आधा दौड़ा है 24, हाँ या ना जवाब दो, समझ आया कि नहीं आया, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे ना क्वेश्चन तो जरूर शेयर करना, यानी कि आधा किलोमीटर में 24 किलोमीटर ही दौड़ा, इतना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, 24 किलोमीटर ही दौड़ा है। अब रिलेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, एक 48 और एक 58, यानी कि 10 का डिफरेंस, इजी है ना। तो टाइम निकालना है हमें, टाइम बच्चों, तो टाइम कितना है हमारा बोलो, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 24 ओवर 10, यानी कि 2.4 कितना हुआ 2.4, ठीक है, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट, इसका ये मतलब होता है शॉर्टकट में, 2 घंटे और 40 मिनट, 2.4। अगर अच्छा बच्चा, चलो मैं ऐसे बता देता हूं आपको, एक और तरीका बता देता हूं, अगर नहीं समझ आया ना ऐसे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज होता है, इसे काटो आप, 2 5s are 10, ये 12 आ गया, इतना समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब देखो 5 × 10, इतना क्लियर है। अब ये जो चीज है ये हमारा घंटों में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ये घंटों में कन्वर्ट हो गए, आवर्स बन गए, ये 1/5 है, इसको मिनटों में कन्वर्ट करने, इसलिए गुना 60 कर देते हैं, तो बन गया ना 5 × 5, यानी कि 12 बन रहे हैं यार, 2 घंटे और 12 मिनट आ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे और 12 मिनट आ रहे हैं मेरे, तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगी, देखो 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 ध्यान से देखो,
कहां पे मिस्टेक हुई है? अगर मिस्टेक हुई है तो देखो देखो देखो, दो घंटे 12 मिनट ही बन रहे है ना जी। चलो देखते हैं, 2 घंटे 12 मिनट, ठीक है जी। मालिकों पर, अब मालिक तो इसी के बाद ही पकड़ेगा, ठीक है। तो 1 बजे के बाद गिनो, 2 और 3, तो 3 बजकर यानी कि 12 मिनट आंसर आ रहा है। मगर अगर मैं ऐसे ले रहा हूं तो, और अगर मैं वैसे निकालूं तो मैं 24/10 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सिंपल हो जा रहा है, 10 × 20, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रही है, पर 4/10, ठीक है जी, गुणा 60। अब ये ऐसे मिक्स फ्रैक्शन कर रहे हैं तो 0 से 0, 6 चौके 24, 2 घंटे और 24 मिनट। तो ये टाइम दे रहा है आपका 3 बजकर 24 मिनट पर जो है वो पकड़ेगा पीएम पर, 3:24 PM पर। तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी भी कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर मिसमैच हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छे से जो बच्चा क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है। दो पंजे दस, पांच दून दस, नहीं ठीक है, यहां पे, हाँ यहां पे मिस्टेक हुई थी, 12 × 24। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पे मिस्टेक हुई थी, 12 × 24, 2 बचे हुए थे। वो मैं सोचू 2 कहां गए, कहां पे मिस्टेक हो रही है, मेथड तो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे चोर सिपाही से जुड़े हुए क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे, और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। और बने रहना है हमारे साथ इसी चैनल पे, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।